सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है काफी कमाल का टॉपिक ये होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मेरी स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं हो रही, मेरी स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं हो रही। तो इस टॉपिक पर मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं, लेकिन मैंने फेस के साथ कोई भी वीडियो नहीं बताया। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनकी वजह से आपकी स्मार्ट वॉच मोबाइल से कनेक्ट नहीं होती है। तो उसके मेन रीजन जो है वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और कनेक्ट कैसे करना है ये भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि स्मार्ट वॉच, तो सबसे पहले आप सभी को ये देखना है कि स्मार्ट वॉच आपकी है कौन सी। आपकी स्मार्ट वॉच नई है या फिर सेकेंड हैंड आपने ली है। तो दोनों तरीकों में आप सभी को ये आपको अप्लाई जरूर करना है। सबसे पहला जो काम करना है, आप सभी को अपनी स्मार्ट वॉच को रीसेट करना है या फिर रीसेट फैक्ट्री डाटा करना है। स्मार्ट वॉच अगर आपकी नई है तो ऑटोमेटिक कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपकी स्मार्ट वॉच सेकेंड हैंड पुरानी है, किसी से आपने लिया है, तो वो पहले जिस मोबाइल पर कनेक्ट होती है तो वहां पर कनेक्ट होने की वजह से आपके मोबाइल में कनेक्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपकी स्मार्ट वॉच नई हो या फिर हो पुरानी, आप सभी को रीसेट जरूर कर लेना है। फिर इसके बाद सेकेंड जो चीज आती है वो क्या करना है, सिंपल सा आपको चले जाना अपने स्मार्ट फोन में, और अपने स्मार्टफोन में द फिट ऐप को डाउनलोड करना है। ये काफी पॉपुलर ऐप है और सबसे नंबर वन स्पोर्ट में ये ऐप है। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप सभी ने जितने भी मेरे वीडियो देखे होंगे स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए, उसमें ये ऐप कॉमन है, क्योंकि मैं सभी वीडियो में इसी ऐप के बारे में बताता हूँ। तो जब आप इस ऐप में लॉग इन करेंगे तो आपको इस ऐप की एक खासियत है, आपको ये याद रखना है कि आपके स्मार्ट वॉच एक ही होनी चाहिए आपके पास। अगर बहुत सारे लोग करते क्या है, दो तीन स्मार्ट वॉच होती है उनके पास, तो वो क्लिक दूसरे पे करते हैं, कनेक्ट कोई दूसरी करते हैं, हो कोई दूसरी आती है, ऐसी भी कंडीशन होती है। और कई बार ये प्रॉब्लम मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो फैमिली मेंबर है, उनके साथ ये हुई है, उन्होंने कमेंट करके भी बताया। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये सोल्यूशन बता रहा हूं कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आपके पास दो स्मार्ट वॉच हैं, तो आपको एक स्मार्ट वॉच कहीं दूर जाकर रख देनी और दूसरी स्मार्ट वॉच अपने स्मार्टफोन के पास लेकर कनेक्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि तभी स्मार्ट वॉच कनेक्ट होगी। तो ये दोनों रीजन आपने समझ लिए। फिर इसके बाद बता देता हूं, अगर आपकी इस पर भी कनेक्ट नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्मार्ट वॉच में प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं, स्मार्ट वॉच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ कंपनी के स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वॉच को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उनमें स्मार्ट वॉच की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, स्मार्टफोन ही कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कभी कभी, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप कभी कभी किसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कोई कोई ब्लूटूथ मोबाइल से नहीं कनेक्ट हो पाता है, कोई कोई कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लूटूथ खराब नहीं होता है, बल्कि मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है वो कभी कभी नहीं कनेक्ट कर पाती है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है या नई स्मार्ट वॉच ली है, तो ये मत सोचिएगा कि आपका मोबाइल खराब है या फिर आपकी स्मार्ट वॉच खराब है। आपको थोड़ा सा टाइम देना है, दोनों को फॉर्मेट कर लीजिए। मोबाइल अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो मोबाइल को फॉर्मेट कर लीजिए, अगर स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं हो रही तो स्मार्ट वॉच को रीसेट करके फॉर्मेट करके आप दोबारा ट्राई करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी। और मैंने कई सारी स्मार्ट वॉच कनेक्ट की भी है, दूसरे की भी की है, अपनी भी की है, और कई लोगों को फोन करके भी बताया है कि कैसे कनेक्ट की जाती है। सो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो बनाने का रीजन केवल इतना था, मैं आपको बताना चाहता था कि स्मार्ट वॉच ना कनेक्ट होने के मेन रीजन क्या होते हैं। अब दोस्तों अगर आपको कनेक्ट करना है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोज बना रखी है, तो बार बार उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का मतलब कोई बनता नहीं है। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, या प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, स्मार्ट वॉच रिलेटेड वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगे कि स्मार्ट वॉच कैसे कनेक्ट की जाती है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।